पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन। दो गोलियां चली, नीचे गिरे शिंजो आबे। शॉटगन से शिंजो आबे पर अटैक। शिंजो का चुनाव प्रचार फायरिंग धुआंधार। नौसेना का पूर्व जवान क्यों बना हत्यारा। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के निधन के बाद पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है। सवाल ये कि ये कैसे हो गया, क्यों आखिरकार आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 8 जुलाई 2022 जापान के बच्चे बच्चे को याद रहेगा। ये दिन जापान के लिए काला दिन साबित हुआ। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत कई सवाल खड़े कर गई, क्योंकि ये मौत वो मर्डर है जिसने समूचे सबको झकझोर कर रख दिया। क्या हुआ था? 8 जुलाई 2022 करीब 11:30 बजे उन्हें गोली मार दी गई। नारा शहर में उन पर एक शख्स ने पीछे से गोली चला दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे पर जब यह हमला हुआ तब वो एक छोटी जनसभा को संबोधित कर रही थी। जानकारी ये भी मिली कि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। बचाने की कोशिश कई घंटों तक चली, लेकिन वो बच ना पाए। शिंजो आबे को गोली लगने के बाद तुरंत अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, जहां करीब 4 से 5 घंटे तक उनका इलाज चला, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। उन पर हुए इस हमले की निंदा हर तरफ हो रही है और दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं ने उनके जल्द ठीक होने की कामना भी की थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। उन्होंने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की और ट्वीट किया, साथ ही अपने दोस्त पर उन्हीं की सरजमी पर हुई इस घटना की घोर निंदा की, लेकिन अफसोस वो बच ना सके। बताया गया है कि हमलावर ने पीछे से शिंजो आबे को दो गोलियां मारी थी, जिसके बाद आबे जमीन पर गिर गए। वहां मौजूदा लोगों ने शिंजो आबे को सीपीआर देने की कोशिश भी की, जिसके बाद उन्हें नाजुक हालत में हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। हमलावर की पहचान 41 साल के तेस्विया यमगमी के तौर पर हुई है, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया था। हमले के पीछे की वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन ये हमला अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है, सबसे लंबे समय तक रह गया। बता दें कि शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बने थे। शिंजो सबसे पहले साल 2006 में जापान के प्रधानमंत्री बने, इसके बाद साल 2007 में उन्होंने बीमारी की वजह से पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन साल 2012 में वो फिर जापान के पीएम बने और 2020 तक इस पद पर बने रहे। बीमारी के चलते उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वे नहीं चाहते कि उनकी बीमारी उनके निर्णय लेने में बाधा डाले और वो जापानी लोगों से अपना कार्यकाल पूरा न करने के लिए माफी मांगे। अभी कई सालों से अल्जाइमर कोलाइटिस से पीड़ित थे, जिसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उन्होंने पद छोड़ दिया। उनकी जगह योशिहिदे सुगा ने पीएम बने। अब सवाल सुन लीजिए, शिंजो आबे पर गोली चलने के बाद 5 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल ये कि क्या हमलावर शिंजो आबे की नीतियों से परेशान था जिसके चलते उसने हमला करने का प्लान बनाया। दूसरा सवाल यह है कि क्या जापान में बढ़ रही लगातार महंगाई के चलते शख्स नाराज था और उसने शिंजो आबे को अपना निशाना बनाया। तीसरा सवाल ये उठा है कि क्या विपक्ष की तरफ से कोई साजिश है या और क्या ये हमलावर किसी विपक्षी नेता का मोहरा है। इसके अलावा चौथा सवाल ये है कि क्या इस हमले के पीछे कोई विदेशी ताकतें शामिल है, हालांकि आगे की जांच में ही बात साफ हो पाएगी। पांचवा सवाल ये है कि क्या किसी ऐसे संगठन की तरफ से हमला कराया गया है जो शिंजो आबे के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीतियों से परेशान था। आबे ने कई ऐसे फैसले लिए थे जिनसे भ्रष्टाचार और ऐसे तमाम बुरे कामों पर काफी असर पड़ा था।